हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इंसान और एक आदमी को अपने घर में ऐसी कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे वो और उसका घर अच्छा दिख सके। और फाइव थिंग्स एवरी मैन नीड इन हाउस, जिससे हमेशा उसका काम आसान हो और जिसे उसकी सभी चीज़ें मिल जाए और उसका घर और उसका जो पूरा रूम है वो अच्छा दिख सके। तो आज की इस वीडियो में एक इंसान को ऐसी कौन सी सिक्स चीज़ें हैं वो रखनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है वीकेंडर बैग, यानी कि एक बैग जिसे आप लोग कहीं भी बाहर जा रहे हो तो उसमें अपनी चीज़ें लेकर जा सको। अगर आप जिम में जा रहे हो तो उसमें आप लोग वीकेंडर बैग लेके जा सको और जिम के अंदर उस बैग के अंदर आप जिम के ग्लव्स, टी शर्ट, जो सब चीज़ें हैं तो आप उसमें रख सको और स्टाइलिश दिख सको। तो सेकंड है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स तो हर एक आदमी के घर में होना ही चाहिए, क्योंकि घर में कोई भी छोटा मोटा काम हो या फिर जो घर में पेंटिंग लगानी हो या फिर कोई चीज़ का रिपेयरिंग करना हो तो उसके लिए हमें टूल बॉक्स का काम होता है। टूल बॉक्स के अंदर हमें सभी चीज़ें मिल जाती है, हथौड़ी है, ड्रिल मशीन है, एक्सेट्रा, सभी चीज़ें आपको उसमें से मिल जाती है और उसे हम टूल बॉक्सों को घर में कहीं भी रख सकते हैं और उस टूल बॉक्स के अंदर हमें सभी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती है। हमको घर में अलग अलग जगह पर जाके दूसरी चीज़ें ढूंढने नहीं पड़ेगी और एक ही बॉक्स के अंदर हमको एक सभी चीज़ें मिल जाएगी। इसके लिए हर एक इंसान को अपने घर में एक टूल बॉक्स तो रखना ही चाहिए, जिससे उसका घर का छोटा मोटा काम हो जाए और वो घर में हो जाए, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और थर्ड है प्लांट्स। तो हर एक आदमी को अपने घर में प्लांट्स तो रखना ही चाहिए, क्योंकि प्लांट हमें अच्छी फीलिंग देता है और आपको अपने घर में प्लांट्स रखना चाहिए। इसे आप अपने घर में रख सकते हो या फिर अपनी बालकनी में रख सकते हो या फिर अपने छत पे रख सकते हो। अगर आप असली प्लांट्स नहीं रख सकते और उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपको अपने घर में, अपने रूम में या फिर अपनी ऑफिस है उसके अंदर आप लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स रख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कोई भी देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। और आर्टिफिशियल प्लांट रखोगे तो जिससे आप अगर उसको देखते हो तो आपकी आंखों को ठंडक होती है और आप अच्छा फीलिंग कर सकते हो। इसके लिए अगर आपसे हो सके तो आपको जो असली प्लांट्स आते हैं वही रखना चाहिए। अगर आपसे उसकी देखभाल नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप लोग आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रख सकते हो और अपने घर और अपने रूम की शोभा बढ़ा सकते हो और अपना रूम अच्छा दिख सकते हो। तो फोर्थ नंबर पे आता है वर्कआउट इक्विपमेंट। तो उसको हमेशा एक आदमी को अपने घर में ही रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है और सभी लोग अपने घर में है और कोई भी अपने घर से निकल के जिम में नहीं जा सकता और अपनी फिजिक्स को मेंटेन नहीं कर सकता। और अगर आपको अपनी फिजिक्स को मेंटेन करना है और घर में रह के वर्कआउट करना है तो आपको वर्कआउट की सभी चीज़ें हैं वो चाहिए। और अभी कोरोना की वजह से हमको हमारी इम्यूनिटी है उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इसके लिए आपको वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। तो उसके लिए आपको वर्कआउट की सभी चीज़ें का उपयोग ज़रूर होगा। तो उसके लिए आप अपने घर में पंचिंग बैग, डंबल्स और पुलिंग बार आता है वो सब आप छोटी छोटी चीज़ें हैं तो वो आप अपने घर में रख सकते हो और अपनी फिजिक्स और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके लिए हर एक इंसान और हर एक आदमी को अपने घर में वर्कआउट इक्विपमेंट तो होना ही चाहिए। तो पांचवें नंबर पे आता है कंफर्टेबल चेयर। अभी लोग सभी लोग घर में हैं और घर से ही अपना वर्क और अपनी ऑफिस का जो भी काम है वो कर रहे हैं, तो हमने हमारे घर में ही रह के उसका काम कर रहे हैं। तो आपको अपने घर में जो आप जिस टेबल पे बैठ के काम करते हो तो उसके लिए आपको अपने कंफर्टेबल चेयर ज़रूर मंगवानी चाहिए, क्योंकि कंफर्टेबल चेयर से ही आप अपना काम पूरी तरीके से कर पाओगे और जो भी काम कर रहे हो तो उसमें आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग लैपटॉप वर्क कर रहे हो या फिर टेबल वर्क कर रहे हो तो उसके लिए आपको टेबल की ज़रूरत होगी और टेबल पे रख के अगर आप लोग काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको
चेयर का उपयोग तो होगा ही, तो इसके लिए आपको एक कंफर्टेबल चेयर आवश्यक है जिससे आप बड़ी आसानी से वर्क कर सको और टेबल वर्क है वो भी आसानी से कर सको और आपको कोई भी झुक के या फिर लेट के काम करना ना पड़े। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने घर में और अपने वर्क प्लेस में कंफर्टेबल चेयर रखनी चाहिए जिसमें आप लोग काम भी कर सकते हो और दूसरी जो आरामदायक जो चेयर आती है उसमें आप आराम भी कर सको। तो इसके लिए आपको अपने घर में और अपने जो वर्क प्लेस में उसमें कंफर्टेबल चेयर जरूर रखनी चाहिए। तो 6 नंबर पे आता है वॉल आर्ट। वॉल आर्ट की बात करें तो हर एक आदमी के घर में वॉल आर्ट और पेंटिंग होना चाहिए जिसे हम उसे देख सकते और अपनी जो मन है उसे शांति दे सके, घर में खुशी रख सके। और जिस घर में पेंटिंग और जो वॉल आर्ट होती है उस घर बहुत ही अच्छा बहुत ही डिफरेंट लगता है। तो इसके लिए आपको अपने घर में जो दीवार है यानी कि वॉल है उसके ऊपर पेंटिंग लगानी चाहिए, जो मूर्ति आती है वो लगानी चाहिए जिससे क्या होगा आपका घर भी अच्छा लगेगा और आपका वर्क प्लेस है वो भी अच्छा लगेगा। इसके लिए आप लोग अपने घर में वॉल आर्ट और जो पेंटिंग है तो वो रख सकते हो। और अगर आप लोग पेंटिंग रख रहे हो तो उसके अंदर आप लोग ब्लैक और व्हाइट की कॉम्बिनेशन का कलर का रखोगे तो जिससे वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके लिए आपको अपने घर में वॉल आर्ट जरूर लगाना चाहिए और पेंटिंग भी जरूर रखनी चाहिए। तो इन 6 चीज़ों की मदद से आप अपने घर को अच्छा दिखा सकते हो और अपने घर में रह के आप अपने घर को अच्छा बना सकते हो। तो 6 चीज़ की बात करें तो उसमें आता है वीकेंडर बैग, टूल बॉक्स, बाद में प्लांट्स, वर्क इक्विपमेंट, कंफर्टेबल चेयर और वॉल आर्ट। ये 6 चीज़ें आपको अपने घर में रखनी चाहिए और ये 6 चीज़ें हर एक आदमी के घर में रहे तो वो बड़ी आसानी से अपनी सभी काम और अपना सभी जो काम है वो कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये 6 चीज़ें अपने हाउस में ज़रूर रखनी चाहिए। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।